स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा साइट पे सब कुछ ऑब्जर्वेशंस करने के बाद, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है ये सब कुछ देखने के बाद, एंड साइट की एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन सब कुछ होता है, मतलब रिजल्ट्स के डेट का कि क्या है क्या नहीं एग्जैक्ट, तो ये सबसे थोड़ा सा पता चलता है। जो लास्ट टाइम भी पोस्टपोन हुआ था वो भी थोड़ा सा रीज़न चेक किया, किस वजह से रीज़न यहाँ पे मतलब पोस्टपोन हुआ था ये अभी आपका रिजल्ट, उसके बाद पिछली बार भी क्या प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब से दो बार आपके रिजल्ट के डेट यहाँ पे पोस्टपोन हुए हैं। तो आज का एक डेट दिया है 5 नवंबर जो रिजल्ट्स का, आप सबको पता है, सब लोग आज सुबह से ही वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। और हम लोग ने काफ़ी कम से कम एटलीस्ट 4 बार तो मतलब पिछले साल के 4 बारों को हम लोग ने ऑब्जर्वेशन किया, और एक बार उसके पिछली बार तो नहीं मिला, उसके एक साल और पहले का, मतलब पूरे 5 साल टोटल का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करके ये पता चला है कि रिजल्ट्स कब एग्जैक्ट डेट पे क्या टाइमिंग क्या होता है, क्या समय होता है जिस पे आता है रिजल्ट, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी इन्फॉर्मेशन पता किया कि जो डेट दिया होता है क्या उसी डेट को रिजल्ट आता है कि उसके बाद नेक्स्ट डे आता है या फिर आज आता है, ऐसा भी कुछ हुआ है क्या। तो 5 सालों का सब कुछ चेक करने के बाद, एनालिसिस ऑब्जर्वेशन हर चीज करने के बाद, ये परसेंटेज हम लोगों ने निकाला है कि हमारी ये स्मार्ट नौकरी चैनल ने परसेंटेज निकाला है कि कितना परसेंट चांस है आज ही रिजल्ट आने का और क्या समय पे आएगा। ये भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हमने ने किया है 5 साल में कि जो 5 साल को डेट दिया गया था कि अगर आज ये डेट दिया गया था क्या रिजल्ट आज ही की डेट को आया है और कौन से समय पर आया है। हम जब 4-5 साल का रिकॉर्ड्स निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ये 4-5 साल कुछ ना कुछ इसमें सिमिलैरिटीज ऐसा हो रहा है, सिमिलर बार बार हो रहा है, तो यही चांस इस बार भी होगा। तो ये सब कुछ ऑब्जर्वेशंस करने के बाद मैं आज आपको फाइनल बताने वाली हूँ कि कितना परसेंटेज चांसेस है आज ही के दिन रिजल्ट आने का, जो वो 5 साल में मतलब अगर जो डेट दिया है क्या उसी डेट को रिजल्ट आया है कि नहीं आया है, क्या समय पर आया, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपको पल पल के सारे इन्फॉर्मेशन, प्लस आज आपको पूरे जितने भी स्टेट हैं हमारे 29, सारे स्टेट के आपके कट ऑफ यहाँ पे बताया जा रहा है आपको यहाँ पे। तो काफ़ी ये स्मार्ट नौकरी देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी ये हार्ड वर्क करता है कि सारे स्टेट का ऑब्जर्वेशन, 4-5 साल का रिकॉर्ड, इतना ईजी नहीं होता सब कुछ बताना, तो सारी चीज़ें आपको बताता है, फर्स्ट टू फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं मेन इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, कितना परसेंटेज चांस है आज रिजल्ट्स आने का। पहली बात तो मुझे आपसे भी कमेंट चाहिए कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आपके क्या चांसेस है यहाँ पे कितना परसेंट आने का, वो आप मुझे बताइए। और ये जो मेरा चांसेस है, जो हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड सब कुछ यहाँ पे निकाला, वो हम अपना बता रहे हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, तो मैं आज आपको बता देती हूँ जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन निकाला है वो कितना परसेंट का है। तो 90% चांसेस है आज रिजल्ट आने का, ठीक है फ्रेंड्स। जो हम लोगों ने 5 साल रिकॉर्ड्स निकाला है, पूरा ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने एनालिसिस यहाँ पे चेक किया है, वो 5 साल के रिकॉर्ड्स में यही बताया कि जो डेट को बताया गया कि आज इस डेट के रिजल्ट आने वाले हैं, तो आज ही की डेट को रिजल्ट आया है, बस टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। इन 5-6 साल का टाइम एकदम सिमिलर नहीं मिला है, कभी किसी का सुबह आया है तो कभी इवनिंग का आया है, इस तरीके से रिजल्ट आया है। बट ये है कि मतलब हमें ये पता चला कि जो डेट दिया गया है साइट पे एग्जैक्ट, वो डेट को रिजल्ट आया है, ये 90% मैं आपको श्योरिटी बता देती 5 साल के ऑब्जर्वेशन सब कुछ लेके, कि 90% की श्योरिटी है कि आज आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो काफ़ी बच्चों का यहाँ पे सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है, सब लोग यहाँ पे कोशिश में लगे हैं कि अब तो रिजल्ट आ ही जाना चाहिए, डेफिनेटली आ जाना चाहिए। मैं टाइप फर्स्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, टाइप फर्स्ट के रिजल्ट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपका 90% यहाँ पे चांसेस है आने का। अब 10% चांसेस क्यों नहीं है यहाँ पे आने का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। जो हम लोगों ने कुछ इसमें से, जो मैंने आपको 5 साल का रिकॉर्ड्स बताया, इसमें से 2 साल का रिकॉर्ड्स ये दिया गया था कि कैसे कुछ सर्वर इश्यूज प्रॉब्लम हो जाते हैं, या फिर बहुत दूसरे डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, या और भी दूसरे एग्ज़ाम चलने होते हैं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती है जिस वजह से एग्ज़ाम रिजल्ट को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा 10% रिस्की हो जाता है, पर इतना नहीं होता है। 90 का भार काफ़ी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है आज ही आने के रिजल्ट के चांसेस है, ठीक है। तो हमें ये सर्वर इश्यूज़ ये सब से हमें इतना मतलब नहीं, एग्जैक्ट वहाँ पे जो हमें 5 साल की इन्फॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से मैंने आपको बताया।
तो 90% चांस है आज रिजल्ट आने का। समय मैं आपको बता देती हूँ, एक समय होता है सुबह का होता है, ठीक है, एक दोपहर के 12 से 2 का होता है, ठीक है। अब ये 12 से 2 के बीच का तो मुझे नहीं लगता आने का चांसेस। अब एक समय होता है जो 5 to 7 के बीच का होता है, ठीक है। अब यही एक टाइम है जो टाइम आने के आपका चांसेस है, जो समय है ये कि ये समय पे आने के चांसेस है। जो पाँचवें साल में एक समय जो था वो कब आया था, 9 से 10 के बीच में एक समय पे आया था आपका रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने सारे आपको ऑब्जर्वेशन बता दिया। अब यहाँ पे आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपके हिसाब से क्या लगता है रिजल्ट कब आने वाला रिजल्ट। तो आज आपको कमेंट्स करना है यहाँ पे कि आपके हिसाब से कितना परसेंटेज लगता है कि आज ही रिजल्ट आएगा। तो मुझे यहाँ पे सबसे कमेंट्स चाहिए कि आप अपना आपको आप लोग खुद भी अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे शेयर कीजिए कि आपके हिसाब से कितना परसेंट आने के चांसेस है आज रिजल्ट का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।